नमस्कार, एनडीसी न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ अर्चना कौशल। एनडीसी न्यूज हर बार आपके लिए लेकर आता है कुछ खास और स्पेशल स्टोरीज। तो दोस्तों, देखना ये रहेगा कि आज एनडीसी न्यूज में आपके लिए क्या है खास। साथियों, समस्याओं को लटका कर रखना ये हमारी प्रवृत्ति नहीं। नहीं, राजनीति का हमारा ये रास्ता है। आप सोचिए, जिन लोगों पर आप लोगों ने अपने घरों को नियमित कराने के लिए भरोसा किया था, वो खुद क्या कर रहे थे, ये दिल्ली वासियों ने जानना बहुत जरूरी है। जब आपने अपने लिए कुछ मांग रहे थे और जिनसे मांग रहे थे वो क्या कर रहे थे, ये भी आपको जानना चाहिए। इन लोगों ने दिल्ली के सबसे आलीशान और सबसे महंगे इलाकों में 2000 से ज्यादा बंगले अवैध तरीके से अपने कारोबारियों को दे रखे। इन बंगलों के बदले किसको क्या मिला, क्या हुआ, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कहानी में मैं जाना नहीं चाहता। पहले जो सरकार चला रहे थे उन सरकार वालों ने इन बंगलों में रहने वालों को तो पूरी छूट दी, लेकिन आपके घरों को नियमित करने के लिए कुछ किया भी नहीं। और जब मैं कर रहा था तो रोड़े अटकाने का कोई मौका भी नहीं छोड़ा। लेकिन इन्हें पता नहीं था, उन्हें मालूम नहीं था ये मोदी है। उसने एक तरफ इन वीआईपी लोगों से दिल्ली के 2000 से ज्यादा सरकारी बंगले तो खाली कराए ही, साथ साथ दिल्ली के 40 लाख से ज्यादा गरीबों मध्यम वर्ग के लोगों को उनके घर का हक भी दे दिया। उनके वीआईपी उनको मुबारक, मेरे वीआईपी तो आप ही लोग हैं। देश का सामान्य मानवी